हाँ जी भाइयों बहनों कैसे हैं सारे अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू सो टुडे इज़ द फिफ्टींथ ऑफ जून एंड दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे चार इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स फ्रॉम द एक्सप्रेस फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स एंड आल्सो द हिंदू सो लेट्स टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ द एडिटोरियल्स टूडे सो दोस्तों हम दो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हमने कल पढ़ा है आज हमने एक छोटा सा वीडियो भी निकाला था दोपहर तो को बारह बजे मिशन अग्निपथ के बारे तो इसको लेकर काफ़ी कॉम्प्रीहसिव कवरेज काफ़ी न्यूज़पेपर्स में रही है तो दो आर्टिकल्स हम इसमें से इससे इस संबंधित इस बात करेंगे एक तो रिफॉर्म कॉल्ड अग्निपथ ये इंडियन एक्सप्रेस में आया है और दूसरा है हाउ टू तो इंप्लीमेंट अग्निपथ ये हिंदुस्तान टाइम्स में आया है तो दोनों आर्टिकल्स में देखिए अब हर एक स्कीम की कुछ ना कुछ यू you नो know, काफ़ी वाह भी करी जाती है काफ़ी उसको उसको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है अब काफ़ी सारे युवा बच्चे भी हैं जो इस इस पर्टिकुलर स्कीम को लेके काफ़ी उत्साहित भी हैं और काफ़ी बच्चे हैं जो इसको लेके थोड़ा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं तो व्यूज़ ऑल व्यूज़ आर वेलकम बट हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में बिलीव करते हैं तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टिवली देखेंगे कि ये स्कीम क्या बात करती है मिशन अग्निपथ कैसे ये हार्नेस कर सकता है डेमोग्राफिक डिविडेंट हमारे कंट्री का और क्या इसमें थोड़ी बातें हैं जो थोड़ा सरकार को भी देखनी पड़ेगी तो ये दो आर्टिकल्स इससे रिलेटेड हैं दोस्तों बाकी फिर हम बात करेंगे मैल न्यूट्रिशन इन इंडिया से संबंधित एक आर्टिकल द हिंदू में आया है तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन से रिलेटेड है और दोस्तों अंत में बात करेंगे बॉर्डर मैनेजमेंट की ये आर्टिकल आपका जीएस थ्री से ओरिएंटेड है दो साल हो चुके हैं गलवान घाटी के इंसिडेंट को तो आज हम बात करेंगे इस आर्टिकल में कि चाइना का जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है हमने पहले भी कुछ दिन पहले भी बात करी थी कि चाइना ब्रिजेस बना रहा है पैंगोंग सो के नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक में तो चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अलॉन्ग दी एल How does that impact India? How does that impact the internal security of India? How does that impact the military policy of India and what all India should do? Keeping in mind, keeping in mind. चाइना रैम्पिंग अप इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग दी एल ए सी क्वेश्चन एंड ऑफ द वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ तो यदि दोस्तों आप हमारे देखो वैसे मैं इंकरेज करता हूँ न्यूज़ पेपर आप रोज़ पढ़ें राइट कोई भी एक न्यूज़ पेपर आप रोज़ पढ़ सकते हैं लेकिन आ, होता है क्या ना कि बाद में बच्चे फिर महीने के एंड में को ने कोई ना कोई मैगजी डाउनलोड करके वहाँ से अपने करंट अफेयर्स की कवरेज करते हैं कि चलो यार हमारा लैक्चर ये रह गया था वो रह गया था तो कोई नहीं एंड में आकर मैगजीन पढ़ लेंगे तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं स्लीपी क्लासेस के साथ तो हमने एक बहुत कॉम्प्रेन्सिव करंट अफेयर्स का कोर्स लॉन्च करा है स्पेशली जो बच्चे 2023 में अपना पेपर देंगे तो यहां लेक्चर्स मिलेंगे तो मंडे को जोग्रफी ट्यूजडे को हिस्ट्री वेडनेसडे को इकोनॉमी थर्सडे को पॉलिटी फ्राइडे को एनवायरमेंट सैटरडे को साइंस एंड टेक एंड आयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे डेली आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे और जो आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे वो फिल्म और मीन दोनों के टूवर्स ओरियंटेड रहेंगे और दोस्तों इसके साथ के साथ आप, आपको ये टॉपिक्स में जो रेलिवेंट पी वाई क्यू डिस्कशन है वो भी देखने को मिलेगी तो चाहे वो पी वाई क्यू मेन से संबंधित है चाहे वो प्री से संबंधित है तो आप देख लेना आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बाकी दोस्तों जैसे कि आपको बताया कि जो टेलीग्राम ग्रुप है दिस इज नॉट मेंट फॉर एनी गॉसिप नॉट मेंट फॉर एनी चटचाट नॉट मेंट फॉर एनी स्पेकुलेशन तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है कि आप सब बच्चे पेयर टू पेयर रिव्यू कर रहे हैं तो अच्छा लगता है देखिए अब यहाँ पर Uh, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने फियर को ओवरकम कर रहे हैं कि आप यहाँ पे डेलीबरेटली आंसर राइटिंग कर रहे हैं अब या तो आप एक साल वेट कर लीजिए कि चलो मेरा प्री हो जाए उसके बाद मैं आंसर राइटिंग शुरू करूंगा वो कभी भी नहीं होने वाला ठीक है ना कभी ऐसे प्री क्लियर होगा ना ना अगर आपका प्री क्लियर हो भी जाता है तो आपका फिर मोमेंटम आंसर राइटिंग में कभी नहीं बन पाएगा तो इरस्पेक्टिव आपके जितने भी मार्क्स इस बार प्रीलिम्स में आ रहे हैं आपने अपना पेपर तो देना है अगर आपने साल डेढ़ साल दो साल अगर आपने अभी ड्रॉप करा है अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी के लिए तो आप आंसर राइटिंग शुरू करिए ठीक है मैं इंकरेज करते रहता हूँ हर एक बच्चे को के यहाँ पे आंसर राइटिंग करिए हाँ हर एक बच्चे के आंसर रिव्यू करना पॉसिबल नहीं है लॉजिस्टिकल चैलेंजेस है इस करके हमने पेयर टू तो पेयर रिव्यू का ऑप्शन खोला रखा हुआ है तो जो थोड़े सीनियर आसपेरेंट्स हैं जिनको थोड़े ज्यादा अटैम्प्स हो चुके हैं तो वो ज़्यादा अच्छा गाइड भी कर सकते हैं जूनियर आसपेरेंट्स को जूनियर भाई बहन जो हमारे जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करी है और जो बच्चे कंसिस्टेंटली आंसर राइटिंग करेंगे उनको स्लीपी क्लासेस की तरफ से गुडीज़ भी अवॉर्ड की जाएंगी राइट right? अब देखिए आपके आंसर्स अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं वो बात की बात है हमारा यहाँ पे मेन मोटिव क्या है कि आप कंसिस्टेंटली कितना आंसर लिख रहे हैं तो चाहे आप 14 मिनट में लिख रहे हैं चाहे आप दस मिनट में लिख रहे हैं चाहे आप बीस मिनट में लिख रहे हैं लिखिए है। लिखना मैटर करता है टाइम फ्रेम में आई एम श्योर आप दो तीन महीने रेगुलरली इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो टाइम लिमिट है छः से सात मिनट का वो भी बन जाएगा और यदि वैसे तो मैं बार बार कहते रहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप का वो दिया गया होता है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में लेकिन फिर भी अगर आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं इस नंबर पे एक मैसेज छोड़ना टेलीग्राम की ऐप से और आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा चलिए सो दोस्तों ये जो लिंक है अब आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में देखेंगे मैं बार बार कहता भी रहता हूँ ये आपका टेलीग्राम के चैनल का लिंक है ठीक है एडिटोरियल्स विद मींस आंसर राइटिंग और ये आपका पीडीएफ का है पता नहीं उसके बावजूद भी बहुत बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा टेलीग्राम लिंक नहीं मिल रहा तो मैं बार बार कहते रहता हूं बच्चों कि प्लीज डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर वीडियो में ये जो हम आप वीडियो देख रहे हैं उसमें ये दोनों लिंक्स को देख लेना ये टेलीग्राम ग्रुप का है ये आपका पीडीएफ का है ठीक है क्लियर रहेगा चलिए तो बेस्ट आंसर कल वाले क्वेश्चन का इस वर्षा दास तो वेरी वेल डन वर्षा काफी अच्छा आंसर इन्होंने लिखा है काफी अच्छी इंट्रोडक्शन लिखी है टेलीकॉम सेक्टर के बारे में जो बात करी गई है राइट उसके बारे में टेलीकॉम टेलीकॉम सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी इकोनॉमी के लिए क्या क्या कदम सरकार ने उठाए हैं डूओ को एलिमिनेट करने के लिए ड्यो को मैनेज करने के लिए और वे फॉरवर्ड क्या है इस आंसर में वो भी बड़ा अच्छा इसमें दिया गया है सो दोस्तों इस आंसर को आप पढ़ सकते हैं वेरी वेल डन वर्षा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कितने मिनट में ये आंसर लिखा है राइट तो अगेन डजेंट मैटर आपने 20 मिनट में लिखा है 11 में लिखा है 5 मिनट में लिखा है 14 मिनट में लिखा है डर मैटर द मैटर्स द मोस्ट इज क्या आंसर्स लिख रहे हैं राइट सो वेरी वेल डन बर्षा कीप इट अप चलिए तो शुरू करेंगे आज की हमारी चर्चा अ रिफॉर्म कॉल्ड अग्निपथ सो दोस्तों यहां पे सूजन चुनो ने आर्टिकल लिखा है सूजन चुनोई डायरेक्टर जनरल है इटसा के राइट right? आ, तो अब यहाँ पे कंटेक्स में बात करेंगे तो हमने अभी कल बात पढ़ी आज भी हमने इसका एक वीडियो भी शेयर किया था दोपहर तो को बारह बजे कि भारत सरकार ने और कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के द्वारा अप्रूवल दे दी गई है मंजूरी दी गई है अग्निपथ स्कीम को अब इस स्कीम के चलते चालीस हज़ार पैंतालीस हज़ार से पचास हज़ार लड़कों को बच्चों को रिक्रूट किया जाएगा राइट अब जो उम्र रखी गई है यहाँ पर बच्चों की रिक्रूटमेंट के लिए वो साढ़े साल से लेकर इक्कीस साल की उम्र तक रखी गई है ठीक है अब यहाँ पर ये चार साल के लिए यहाँ पर सर्व करेंगे जो बच्चे ठीक है इसमें से सेवेंटी ऑब्वियसली इसमें से जो 25% परसेंट है दे विल बी यू नो आगे जाके वो रेगुलर कैडर का हिस्सा बनेंगे एंड दे विल सर्व फॉर अदर मिनिमम 15 इयर्स बट 75% परसेंट जो इसमें से बच्चे होंगे वो आगे जाके सर्व नहीं करेंगे राइट right. अब देखिए अब यहाँ इसको लेके कुछ यू नो क्रिटिसिज्म भी करा जा रहा है इसको लेके फिर कुछ बातें अच्छी भी करी जा रही है बट द पॉइंट इज कि देखिए हमारा देश युवा है डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं हर दूसरा तीसरा व्यक्ति आपको दिखेगा पच्चीस छब्बीस साल की उम्र का होगा तो इस युवा शक्ति का हमको इस्तेमाल इसका उपयोग हमको अपनी भारत सेना में भी करना है राइट तो बहुत जरूरी है देखिए अब जो बच्चे हैं अब हम जैसे कहते हैं ना कि आप यंग एज में बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं अब आज के टाइम पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजेस है वॉरफेयर की जो टेक्निक्स है वो बदल रही हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रपोजल है यहाँ पे कि कैसे हम अपनी आर्म्ड फोर्सेज को थोड़ा लीन कर सकते हैं राइट इन नंबर इन नंबर की हम बात कर रहे हैं नॉट लीन इन टर्म्स ऑफ कि उनके सिक्स पैके हम बात करें लीन इन टर्म्स ऑफ इन नंबर कैसे हम लीन कर सकते हैं कैसे और एफिशिएंट कर सकते हैं और कैसे इन बच्चों को हम अच्छी टेक्नोलॉजीज बिकॉज आज के टाइम पे बहुत नई टेक्नोलॉजीज के थ्रू मैंने आपको बोला वॉरफेयर बदल रहा है तो ये सब टेक्नोलॉजीज कितनी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी बच्चों को सिखाया जा सकता है ताकि आगे जाके ये भी इस तरह के यू नो वॉरफेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो ये सब बातें यहां पर करी गई हैं ठीक है ठीके? अब इसके बेनिफिट्स की बात करें देखिए अब ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों का पैशन होता है कि वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं देश की रक्षा करना चाहते हैं राइट तो अब ऑब्वियसली ये स्कीम अब इन सब बच्चों के लिए बहुत जनरस भी है अट्रैक्टिव भी है लगभग तीस हजार प्रति मंथ सैलरी भी मिलेगी राइट तो इस उम्र में, में एक अच्छी सैलरी भी होती है ठीक है साथ के साथ आप अपने पैशन को भी सर्व कर रहे हैं इंडिया को भी सर्व कर रहे हैं ठीक है और अपॉन द रिलीज फ्रॉम द सर्विस ये जो अग्नि अग्निवीर हैं यानी कि जो बच्चे हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे रिक्रूटमेंट ड्राइव में जिनको रिक्रूट किया जाएगा सोल्जर्स दे विल रिवर्ट टू द सिविल सोसाइटी एज होल्डर्स ऑफ स्पेशल क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट तो अब यहां पे सरकार ऑब्वियसली कोशिश करेगी कि अब जो बच्चे इक्कीस बाईस साल की उम्र में अब अगर आगे जाके वो कमीशन नहीं होते हैं बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया कि ट्वेंटी फाइव बच्चे ही होंगे जो आगे जाके पंद्रह साल के लिए और काम करेंगे आर्मी में जो कमिशन ऑफिसर्स होंगे तो जो बाकी बच्चे हैं सेवेंटी अब वो क्या करेंगे है ना अब उनको बाकी सेक्टर्स में जॉब मिल सके चाहे वो सरकार

कंटिन्यू करते हैं आप कमिशन होते हैं कि नहीं होते लेकिन ये आपको टैक्स फ्री जरूर मिलेगा एट द एंड ऑफ द फोर ईयर्स ऑफ योर सर्विस राइट अब रिफॉर्मेटिव एजेंडा की बात करें तो डेफिनेटली ये एक रिफॉर्मेटिव एजेंडा है ठीक है इट्स अ वेलकम मूव देखिए दिस विल ओपन अप द रेगुलर इन टेक एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ यूथफुल पेट्रियॉटिक फिजिकली फिट यंगस्टर्स हाईली मोटिवेटेड यूथ अब देखिए इंडियन आर्मी 1978 में ज्यादा यूथफुल थी एज कम्पेयर टू टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इन फैक्ट टू द नंबर ऑफ सिपॉइज हैज फॉलन बिलो फोटी परसेंट अब देखिए आप कुछ तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि पैंतीस चालीस साल या पैंतालीस साल का आदमी करे वो जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है जो एक्जर्शन है वॉरफेयर में इस तरह की जो टेक्निक्स इन्वॉल्व रहती हैं वो यंग बच्चे ही कर सकते हैं जो अर्ली ट्वेंटीज़ में हैं मिड ट्वेंटीज़ में वही ट्वेंटीज कर सकते हैं तो इस करके बहुत जरूरी है कि कैसे हम अपनी आर्मी को यूथफ़ुल बना सकें और कैसे अपनी आर्मी को लीनर भी रख सकें ठीक है तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज नीड टू बी लीनर फिटर एंड मोर यूथफुल ठीक है तो अभी देख रहे हैं कि अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें हमारी इंडियन आर्मी में तो एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है अब एजिंग पॉपुलेशन के चलते सरकार का एक बर्डन बन जाता है वो है डिफेंस बिल का अब पेंशन बिल का ठीक है अब जैसे कि मैंने आपको आज दोपहर को भी वीडियो में बताया था कि जो पेंशन बिल के चलते देखिए वो नॉन आपका वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाता है ठीक है नॉन सेट क्रिएटिंग खर्चा होता है वो तो डेफिनेटली सरकार की बहुत कोशिश है कि कैसे इस खर्चे को थोड़ा यू you नो know, ट्रिम डाउन किया जा सकता है तो डेफिनेटली अगर ज़्यादा यंगस्टर्स होंगे तो ज़्यादा पेंशन का खर्चा नहीं होगा है ना सो uh, so, अग्निपाथ विल हेल्प कीप इन चेक दी एब्सोलूट नंबर्स वाई ऑल्सो इंश्योरिंग अ कंसिस्टेंट स्ट्रीम ऑफ यंग रिक्रूट रिक्रूटिंग इयर आफ्टर ईयर और ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है अग्निपथ स्कीम के चलते साल में दो बार रखी जाएगी चलिए चैलेंजेस क्या फेस करे जा रहे हैं बाय द इंडियन आर्मी देखिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है बजेट्री कंस्ट्रेंट का ऑल दो देखिए आज दो साल हो गए हमारी इंडिया चाइना की लड़ाई की अगर बात करें गलवान घाटी में जो हुआ था अब सरकार लेकिन अपनी तरफ से सरकार बहुत सीरियस है कि हमारी सेना को ठीक है चाहे वो हमारी इंडियन आर्मी है इंडियन एयर फोर्स है इंडियन नेवी है उनको किसी भी किस्म के हथियार चाहिए होंगे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं तो वो सरकार प्रोवाइड करेंगी तो सरकार अपनी तरफ से कोई एफर्ट कम नहीं कर रहा कि उनको ये सब टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड ना हो सके ठीक है अब इनफैक्ट हम बहुत ज़्यादा एम्फोस कर रहे हैं डिफेंस इंडिजनाइजेशन के ऊपर ठीक है हम बहुत ज़्यादा इस पर एम्फोसाइज़ कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत के चलते कि कैसे हम यहाँ पे खुद ये डिफेंस इक्विपमेंट बना सकें मैनुफैक्चर कर सकें और हमको डिपेंडेंसी ज़्यादा जो अमीर देश है रशिया है अमेरिका है फ्रांस है उन पर हमारी डिपेंडेंसी कैसे कम हो सकती है अब ये जो सैलरी और पेंशन का बिल है ये बढ़ी जा रहा है अब देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है ये सेट क्रिएटिंग तो नहीं है ठीक है तो एम्फेसिस कैसा रहेगा अग्निपथ का एक एम्फेसिस ऑफ अग्निपथ इन इंडिया इज ऑन इंश्योरिंग अ यूथफुल एंड टेक्स सैवी प्रोफाइल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज वॉरफेयर बदल रहा है ठीक है तो ये सब जो टेक्नोलॉजीज हैं ये सब जो नई चीजें हैं ये अब यंग बच्चों को समझाई जा सकती हैं एट द सेम टाइम एम्फेसिस क्या रहेगा रिड्यूसिंग ओवरऑल बर्डन ऑन द पेंशन बिल एज वेल मॉडर्न वॉरफेयर की बात करें देखिए जो फ्यूचर वॉर्स है ऑफ वेपन साइबर स्पेस को कहा जाता है जो अग्निवीर विल इंजेक्ट अडिशन स्किल सेट्स इन टू दर्म फोर्स अब इसराइल की बात करें तो ग्लोबल एक्सपीरियंस यहां पर थोड़ा आ जाता है ग्लोबल कंटेक्ट यहां पर आ जाते हैं तो इसराइल आर्मी में भी प्रोविजन है एज अ सर्विस ऑफ थर्टी मंथ्स एंड ट्वेंटी टू मंथ्स यानी कि लेस देन टू ईयर एंड यानी कि ढाई यानी कि दो से ढाई साल का पीरियड यहाँ पे आ गया रिस्पेक्टिवली फॉर मेन एंड वुमेन फ्रांस में भी ऐसा प्रोविजन है कि आप चाहे तो वहाँ पे एक साल के लिए भी काम कर सकते हैं आर्मी में दस साल के लिए भी कर सकते हैं ठीक है लेकिन उसके बावजूद चाहे वो इसराइल है चाहे वो फ्रांस है ठीक है दे इन्जॉय रेपुटेशन फॉर बींग अमंग्स द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड तो जो ट्रेनिंग रहेगी अग्निवीर की वो भी थोड़ा इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में रहेगी इन द सेंस दैट विल बी कम्पेरेबल टू द टाइम फ्रेम इन मेनी वर्ल्ड क्लास आर्म्ड फोर्स फॉर एक्साम्पल इजराइल फॉर एक्साम्पल फ्रांस एक्सेट्रा कंक्लूजन क्या निकलता है तो अग्निपथ स्कीम जो है दिस विल ओपन अप मेनी अपॉर्चुनिटीज मेनी पॉसिबिलिटीज फॉर द यूथ एंड दिस विल ऑल्सो बूस्ट द सिविल मिलिट्री फ्यूजन ठीक है अब देखिए अब यहां पे क्योंकि हम हमने बात आज वाले वीडियो में भी करी थी कि यहां पे देखिए ये जो स्कीम है अग्निपथ स्कीम है इसके चलते इट्स ओपन फॉर ऑल इरस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट इरस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन इरस्पेक्टिव ऑफ योर क्लास जो भी है ठीक है इट्स ऑल इंडिया ऑल क्लास के बेसिस पे है तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है इनफैक्ट इंडियन आर्मी की बात करें तो यहाँ पे कास्ट बाइस ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं बहुत सेकुलर इंस्टीट्यूट है और अंत में यहाँ पे जो बात कंक्लूड करी गई है जो नेशनल यूनिटी है दैट शुड नॉट बी प्रोडिक्टेड प्रिडिकेटेड ऑन कास्ट कम्युनिटी रिलीजन एंड लैंग्वेजेस तो दोस्तों अग्निपथ स्कीम के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है आप ये पीडीएफ जब डाउनलोड करेंगे इसको पढ़ सकते हैं राइट सो so, ये थोड़ा हिंदुस्तान टाइम्स में से मैंने जो स्क्रीनशॉट से यहाँ से निकाले थे काफ़ी अच्छा इसमें कवरेज करी गई थी अग्निपथ स्कीम को लेकर आप इसको थोड़ा रीड कर सकते हैं अब दोस्तों अगला जो आर्टिकल है हाउ टू इंप्लीमेंट अग्निपथ प्रॉपरली तो बहुत ब्रीफली यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे दो ही बातें सामने आई हैं ठीक है अब चलो हमने अग्निपथ के बारे में बेनीफिट्स पढ़ लिए चलो प्राइमारिल वहां पर हमने बात पढ़ ली कि डिफेंस बिल थोड़ा कम होगा हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं दिल दिल बिगा मो लीनर मो बेटर ठीक है ये सब बातें हमने पढ़ ली सा, साथ में जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो बच्चे हैं जो रिक्रूट किए जाएंगे तो जो मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज हैं उनको उसके बारे में सिखाया जाएगा ठीक है जो फ्यूचर वॉरफेयर कैसे लड़ी जाएगी वो सब बातें यहाँ पे गई अब थोड़े चैलेंजेस की बात कर लेते हैं थोड़ी ऐसी बातों चलो चैलेंजेस बोले या फिर हम ये कहें कि कुछ ऐसी बातें जिसका खास ख्याल सरकार को रखना पड़ेगा अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि

जिन्होंने चार साल की अपनी सर्विस जो है इस स्कीम के चलते पूरी कर ली है तो देखिए अब चाहे वो अब होम मिनिस्ट्री है रेलवेज़ है बैग्स की बात करें इंडस्ट्रीज़ की बात करें ये सब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ठीक है ये उनको ऑब्जॉर्व कर सकते हैं कि चलो अब इनको और कोई पेपर देने की ज़रूरत ना पड़े एस के थ्रू या बैंक पी के थ्रू तो वो बिना पेपर दिए अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने अपने यू नो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे यहाँ पे नौकरी कर सकते हैं ठीक है तो ये थोड़ा चिंता का विषय ज़रूर है जो आने वाले टाइम में थोड़ा सा इस आर्टिकल में बताया गया है जो कॉलोमिनिस्ट कह रहे हैं थोड़ा बढ़ सकता है कि अच्छी बात नहीं लगी कि जो यंग सोल्जर्स हैं जो यंग जवान है वो इक्कीस बाईस साल की उम्र में बाहर सड़कों पर प्रोटेस्ट करेगी जी हमारे पास नौकरी नहीं है भले हमने चार साल आर्मी में सर्व किया हो और दूसरी बात आती है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द फोर्सेज की देखिए ऑप्टिमाइजेशन के कैसे हम एफिशिएंसी को और बढ़ा सकते हैं ठीक है कैसे हम और ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं हमारी यूथफुल डेमोग्राफिक डिविडेंड का अब देखिए यहां पे फोर्स ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है तो यहां पे दो बातें समझनी जरूरी है एक तो फोर्स ऑप्टिमाइजेशन है यानी कि जो हमारी स्ट्रेंथ है हमारी जो आर्म स्ट्रेंथ है उसको कैसे हम ज़्यादा मैक्ममम फ़ायदा उठा सकते हैं बिकॉज देखिए जिस तरह के हम जोग्राफिकली जिस तरह के रीजन में रहते हैं हम न्यूक्लियर आर्म नेबरहुड में रहते हैं एक तरफ चाइना है एक तरफ पाकिस्तान है राइट तो चैलेंजेस बहुत हैं जियो पोलिटिकल चैलेंजेस हैं ठीक है मॉडर्न वॉरफेयर की यहाँ पे बात आ जाती है लेकिन बहुत ज़रूरी है कि ऑप्टिमल नेसेसिटी फॉर इन्वेस्टिंग इन मॉडर्न वॉरफेयर की बात आ जाती है तो एक तो हमको मिलिट्री स्ट्रेंथ को ऑप्टिमाइज करना है दूसरा हमने कॉम्बैट स्ट्रेंथ को भी कॉम्बैट पावर को भी ऑप्टिमाइज करना है मैक्सिमाइज करना है तो ये दो बातें यहाँ पे बहुत जरूरी है तो क्या अग्निपथ ये दोनों इश्यूज को एड्रेस कर पाएगा कि कॉम्बैट पावर को भी ऑप्टिमाइज करना और हमारी जो आर्म्ड स्ट्रेंथ है उसको भी ऑप्टिमाइज करना तो ये बातें थोड़ी देखने वाली होंगी तो दोस्तों इस आर्टिकल में यही दो बातें इंपॉर्टेंट थी फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल के टू ये बात करता है मैल न्यूट्रिशन के बारे में गौरव गोगोई ने आर्टिकल लिखा है ये राइट मैल न्यूट्रिशन इन इंडिया इज अ वेरी इन अ मॉडर्न सिनारियो बहुत बार इस तरह के आर्टिकल्स आते रहते हैं न्यूज़पेपर्स में तो यहाँ पर देख लेते हैं कि गौरव गोगोई क्या बात करते हैं पावर ऑफ़ गुड न्यूट्रिशन की बात करें तो देखिए हम अगर डेवलप्ड डेवलप्टकॉनमी बनना चाहते हैं राइट अगर हम फाइव ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनना चाहते हैं तो अंधकार में रह के भूखे रह के तो नहीं बन सकते हैं गरीबी में तो नहीं बन सकते हैं तो डेफिनेटली गुड अब आज के टाइम पे देखिए हम पढ़ते रहते हैं बीच में रिपोर्ट भी आई थी कि वर्ल्ड बैंक का डेटा कहता है कि जो पावर्टी है एप्सोलूट पावर्टी है वो अब दस से ग्यारह परसेंट के बीच में है इंडिया में आज से दस ग्यारह साल पहले वो बाईस परसेंट का फिगर बताते थे अब अगर पावर्टी रिडक्शन हो रहा है और हम इतना अब फूड प्रोडक्शन की बात करें वीट या राइस की बात करें तो बहुत ज़्यादा हम वीट और राइस प्रोड्यूस भी करते हैं और उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक कितना एक नंबर पर आता है एक में से तो अब गुड न्यूट्रिशन तो बहुत ज़रूरी है दिस ऐज द पावर टू एम्पावर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन ठीक है हमारे जो ग्रेटेस्ट हम अगर अपनी ह्यूमन कैपिटल की बात करें औरतों की बात करें बच्चों की बात करें तो दैट इज द ग्रेटेस्ट नेशनल ट्रेजर और जो पोर न्यूट्रिशन है अमंग्स द प्रेगनेंट वुमेन दैट विल ऑब्वियसली अफेक्ट द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द चाइल्ड एज वेल तो जो अंडर नरिश चिल्ड्रन है दे आर एट अ रिस्क ऑफ अंडर परफॉर्मिंग इन स्टडीज अगर अगर आप बच्चों को अच्छी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा चाहे वो मैक्रोज हैं चाहे वो माइक्रोज हैं अगर अच्छी तरह से उनको न्यूट्रिशन इस यंग एज में नहीं मिलेगा तो आगे जाके डेफिनेटली उनकी कॉग्नेटिव एबिलिटी डेवलप नहीं हो पाएंगी आगे जाके वो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे ठीक है बहुत वीक होंगे अगर पढ़ाई अच्छी नहीं कर पाएंगे तालीम अच्छी नहीं हासिल कर पाएंगे तो उनको जॉब प्रोस्पेक्ट्स उनके बहुत वीक बन जाएंगे तो ये बातें थोड़ी आ जाती हैं चिंता की इसके इसके चलते यू नो पावर ऑफ गुड न्यूट्रिशन की यहाँ पर बातें करी गई हैं मार्जिनल इंप्रूवमेंट की बात करें नो no डाउट हम देखते हैं कि देर इज अ डिक्लाइन इन पॉवर्टी ठीक है अब सेल्फ सफिशेंसी की बात करें तो वो जमाना तो नहीं है नाइनटीन सिक्सटीज़ का कि हम वीट या राइस बाहर दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट है बट उसके बावजूद भी चलो थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ है एज फार एज स्टार्टिंग द मैल न्यूट्रिशन इज कंसर्न अब हम इंडिया में भी दो तरह का डिवाइड देखते हैं एक तो बच्चे ओवर न्यूट्रिशन बहुत है ओवर फेड बहुत है ना जोमेटो स्विगी के चलते और एक दो बच्चे अगर हम बाकी अगर हम दूसरे साइड में देखें बच्चों को खास करके हम रूरल एरियाज़ में जाएँ बेमारू स्टेट्स में देखें तो वहां पर मैल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है ठीक है तो अब ये बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा चिल्ड्रन इन सेवरल स्टेट्स आर मोर अंडरिस्ट नाउन देवर फाइव ये बात अभी जो रिसेंटली हेल्ड जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था उसमें ये बात सामने आई है कि चलो इंप्रूवमेंट हुई है डिफरेंट nutrition, जो न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स में लेकिन अभी भी और बहुत ज़्यादा स्कोप है खास करके अगर कर चाइल्ड वेस्टिंग की बात करें चाइल्ड स्टंटिंग की बात करें अनिमिक रेशों की बात करें उसमें बहुत इंप्रूवमेंट हो सकती है अब स्टंटिंग वेस्टिंग एंड अनिमिया की बात करें स्टंटिंग यानी कि आपकी हाइट छोटी निकलती है आपकी हाइट ज़्यादा नहीं जाती है बिकॉज ऑब्वियसली आपकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं है वेस्टिंग यानी कि आपकी हाइट तो निकल जाती है लेकिन आपकी हाइट की प्रपोर्शनली आपका वेट नहीं होता तो हाइट आपकी बहुत ज़्यादा होगी लेकिन आप बहुत पतले से होंगे दुबले से होंगे ठीक है बिकॉज ऑब्वियसली आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा और अनीमिया यानी कि आपको खून खून की अगर प्रॉब्लम खून की बात करें आपकी

द प्रीवियसली हेल्थ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अब दोस्तों यहाँ पर एक फैक्चुअल बात है इसको आप कोट भी कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है इस थीम के ऊपर आप इसको कोट भी कर सकते हैं वो क्या है कि मोर देन अभी भी आज के टाइम पर भी मोर देन फिफ्टी सेवन परसेंट ऑफ वुमेन जो कि फिफ्टीन से फोर्टी नाइन ईयर्स के एज ब्राकेट में लाई करते हैं एंड ओवर सिक्सटी सेवन परसेंट ऑफ चिल्ड्रन जो कि सिक्स से फिफ्टी नाइन मंथ्स की एज ब्राकेट में लाई करते हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम अनीनियन नाउ डेफिनेटली वी हैव टू स्टेप अप फाइनेंसिंग टू डील विद दिस प्रॉब्लम ठीक है डेवलपिंग कंट्रीज अब देखिए कितना अच्छा यहाँ पे अब देखिए ये फैक्चुअल बातें हैं किसी ने वो टेलीग्राम ग्रुप में पूछा भी था कि अगर हम फैक्चुअल बातें है अगर हम कोर्ट करना चाहते हैं कुछ किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगर द्वारा को कोई ऐसी कोई फैक्चुअल बात करी गई है कोई रिपोर्ट की बात आई तो क्या हम लिख सकते हैं अगर आपको याद है तो क्यों नहीं आप बिल्कुल लिख सकते हैं देखिए तो अब यहाँ पर कितनी अच्छी लाइन लिखी गई है ठीक है हम फाइनेंसिंग की बात करते हैं स्टेपिंग अप फाइनेंसिंग की बात करते हैं डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट तो बढ़ाना पड़ेगा सरकार को अगर हमने मैल न्यूट्रिशन से लड़ना है अनीमिया से लड़ना है चाइल्ड वेस्टिंग से लड़ना है तो डेवलपिंग कंट्री

ठीक है अब यहाँ पे दोस्तों कुछ की इनिशियटिवस की बात करें इंटरपोशन अभियान तो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अनीमिया मुक्त भारत की बात हो रही है होम बेस्ड केयर ऑफ न्यू बॉन एंड यंग चाइल्ड की बात हो रही है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात हो रही है डी वार्मिंग डे मदर्स आपसलो डिफेक्शन ठीक है तो बेसिकली यहाँ पे एम्फोसिस क्या है एम्फसिस है कि और प्रेगनेंट वुमेंट हैं और जो उनके बच्चे हैं उनके जो न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स हैं वो कैसे बढ़ाए जा सकते हैं कैसे बेटर किए जा सकते हैं फूड फोर्टिक अगर हम फूड फोर्टिफिकेशन की बात करें वो कॉम्पोनेंट भी इसमें शामिल रहता है ठीक है ऑबजेक्टिव ऑफ पोषण की बात करें तो प्रिवेंट एंड रिड्यूस स्टार्टिंग इन चिल्ड्रन बिटवीन जीरो टू सिक्स ईर्स ऑफ एज प्रिवेंटिंग एंड रिड्यूसिंग अंडर न्यूट्रिशन बिटवीन द जीरो टू सिक्स ईयर ऑफ एज रिड्यूसिंग द प्रवेन्स ऑफ अनीमिया अमंग यंग चिल्ड्रन ठीक है रिड्यूसिंग द लो बर्थ वेट एक्सेट्रा एसेट्रा ये कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है पोषण के और अगर पोषण टू की बात करें तो ये सेप्टेबर टू में लॉन्च किया गया था पोषण स्कीम जो है ये 2018 में लॉन्च करी गई थी फ्रॉम द झुंझुन डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान ठीक है तो ये वहां पे 2018 में लॉन्च करी गई थी और ये 2021 में पोषण 2.0 लॉन्च किया गया है तो अगर आप अपने मिड डे मील स्कीम की बात करें आईसीडीएस की बात करें ये सारी की सारी जो स्कीम्स हैं, अब पोषण 2.0 अम्ब्रेला के अंडर आ जाती हैं। ना व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड नाउ देर हैज़ टू बी डायरेक्ट इंगेजमेंट खास करके उन लोगों के साथ जो कि न्यूट्रिशनली बहुत वैल्यबल है देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन द मादर्स एजुकेशन अगर अगर देखिए अगर अगर फीमेल्स वो एजुकेटेड होंगी इंपावर्ड होंगी तो उनके जो न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स हैं वो भी बेहतर होंगे वो अपने बच्चों को भी अच्छे न्यूट्रिशन प्रोवाइ कर पाएंगे ठीक है हमारा जो रिस्पॉस है टू द मेल न्यूट्रिशन एंड द ग्रोइंग अनीमिया प्रॉब्लम दिस शुड भी वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी इनोवेटिव तो बहुत क्रिटिकल है कि हम इंडिया को मैल न्यूट्रिशन फ्री अनीमिया फ्री अनिमिया मुक्त बनाएं तो ये हमारी यह रियालिटी होनी चाहिए दिस शुड भी रियालिटी नॉट

ठीक है छह महीने पहले भी न्यूज़ आई थी कि नॉर्थ बैंक पे भी चाइनीज जो है वो बिल्ड वहां पे जो ब्रिज है वहां पे बिल्ड कर रहे हैं नाउ दिस इज वेरी अलार्मिंग एंड वेरी आई ओपनिंग अभी जो लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस आई हैं तो ये डेफिनेटली अभी एम ने भी डेवल्यूशन करी थी अभी जो ब्रिजेस बन रहे हैं नाउ डेफिनेटली इन ब्रिजेस बनने के कारण क्या हो सकता है कि जो पी की बात करें हम पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना की बात करें तो स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ टैंक्स और द स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स विल हैपन

अब डोकलाम इंसिडेंट के बाद जो कि 2017 में हुआ था जो डोकलाम स्टैंड ऑफ रहा था तीन महीने का उसके बाद अब आज पांच साल हो गए दो स्टैंड ऑफ को हुए को 37 एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट 37 एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स बनाए गए हैं चाइना के द्वारा ठीक है विदिन द तिब्बत एंड जिंजियांग जिजेंग यानी कि जो आपका नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ चाइना में आता है एंड दीज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड तो so, दोस्तों यहाँ पे देखिए मैप में यहाँ पे कुछ ऐसे 16 एयर बेसिस हैं जो कि आइडेंटिफाई करे गए हैं बाय द इंडियन आर्मी जो थोड़ा यू you नो know, ये एयर थ्रेड कर रहे हैं जो चाइना के जो ग्रोइंग एयर थ्रेट की बात करें तो ऐसे 16 एयर बेसिस हैं दैट आर अ कॉज ऑफ़ कंसर्न फॉर द इंडियन आर्मी एंड फॉर द इंडियन एयरफोर्स एज वेल अब ये क्यों करा जा रहा है इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एरियल इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना के द्वारा क्यों करा जा रहा है ऑल दिस इज एम चलो हमारी तो वहां पे एरियल स्ट्रेंथ है ही है ठीक है लेकिन चाइना की एरियल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं थी इसके चलते वहां पे इतने सारे एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स बनाए गए हैं ऑल ऑफ दिस इज एम आर रिड्यूसिंग इंडियाज एडवांटेज इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयर पावर ड्यूरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग अ अइवलीहुड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट अलॉन्ग दी एल नाउ अब यहाँ पे चलो एक तो एरियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ गई फिर बात आती है यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की कि उसको भी रैंप अप करा जा रहा है तो दोस्तों यहाँ पे ब्रिजेस की बात करें हाईवेज की बात करें सड़कों की बात करें तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले कुछ छः सात सालों में बिटवीन टू थाउजेंड एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी तिबित के जो हाईवेज हैं देव ग्रोन फ्रॉम अराउंड अबाउट सेवन

2015 और इसको पिछले साल इसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करा गया है चलिए इंडिया की एजम्पन्स की बात करें तो ये जो चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना जो बिल्डअप कर रहा है चाहे वो एरियल इंफ्रास्ट्रक्चर है चाहे वो टेरेस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है तो जो हमारे जो मिलिट्री प्लानर्स हैं दे हैव बिन ऑफ द व्यू दैट देखिए द टाइम टेकन बाय द पीएलए टू मूव सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फोर्सेज इन द तिबिट

तो कंक्लूजन क्या निकलता है तो अगर एक बहुत डीप अगर एक एक बहुत होलिस्टिक लुक अगर हम डालें चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ, डेवलपमेंट को अक्रॉस दी एल एस दैट क्लैरिफाइज दियर इंटेंशंस ठीक है तो हो सकता है कि उनके इंटेंशन अभी कंफ्लिक करने के ना हो हो सकता है कि चाइना के इन जो इंटेंशन है इतना सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर अप किया जा रहा है हो सकता है कि यहाँ पे इंटेंशन लड़ाई के नहीं है ठीक है लेकिन डेफिनेटली उनके जो शॉर्टफॉल्स थे उनकी जो शॉर्टकमिंग्स थी स्पेशली अगर उनकी एरियल स्ट्रेंथ की बात करें दिस विल न्यूट्रलाइज इंडियाज एयर पावर एज विच इंडिया हैड टिल 2017, ठीक है और डेफिनेटली अगर इतना you know, अगर किया जा रहा है तो डेफिनेटली दिस विल ऑब्वियसली इंक्रीज चाइनीज़ आर्मीज कॉम्बैट कैपेसिटी इज वेल फॉर अ वॉर फाइटिंग अगर आगे जाके ऐसी लड़ाई होती है लेकिन दिस डज नॉट मीन कि इंडिया चाइना की लड़ाई होने वाली है अब अगर हम अपनी आर्मी की बात करें तो हमने अपना जो फोकस है जो मिलिट्री फोकस है आज के टाइम पर टुवर्ड्स पाकिस्तान बॉर्डर कम है ठीक है हमने इंडियन आर्मी ने हेज रीडिप्लॉयड सिग्निफिकेंट फोर्सेज फ्रॉम द पाकिस्तान बॉर्डर टू द नॉर्दन फ्रंट ठीक है तो हमारे लिए भी जो चाइना का जो चैलेंज है चाइनीज आर्मी का जो चैलेंज है बहुत सिग्निफिकेंट है राइट right? हम इतना लाइटली नहीं ले रहे हैं नाउ व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड देखिए डेटरेंस जो है डेटरेंस हैजिन द कॉर्नर स्टोन बहुत अच्छी लाइन लगी तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इस थीम के ओरिएंटेड तो आप इस लाइन को भी वहां पे डाल सकते हैं डेटरेंस हैज बिन द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियाज मिलिटरी स्ट्रेंथ अगेंस्ट चाइना तो डेटरेंस इज बेस्ड ऑन थ्री थिंग्स एक तो अस्ट्रॉन्ग आर्मी डिप्लॉयमेंट अलॉन्ग द एल इसके चलते बहुत सारे ट्रूप्स को विद्रॉ किया जा रहा है फ्रॉ द पाकिस्तान बॉर्डर उनको एल भी डिप्लॉय किया जा रहा है एडवांटेजेस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इन दाई इन दी हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन और तीसरा डॉमिनल नेवल पोजिशन इन दी इंडियन रीजन तो इसी करके बार बार हम ये पढ़ते रहते हैं कि अमेरिका जो है इंडिया को अपना एज अ पेवेट मानता है इन द इंडो पैसिफिक रीजन और इंडिया को एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नॉट ओनली अमेरिका बट ऑल दी अदर आइलैंड कंट्रीज इन दिस रीजन दे ऑल्सो लुक अप टू द इंडियन नेवी एंड स्पेशली इंडिया एज बीन द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन तो देखो आने वाले समय में हमको और फोकस करना पड़ेगा अपनी कैपैसिटीज के ऊपर अपनी केपेबिलिटीज के ऊपर कैसे हम उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं ताकि अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है चाइना के साथ तो उन, उनको हम बहुत अच्छा सबक सिखा सकते हैं चलिए दोस्तों जाने से पहले तो यहां पे दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप पी एस आई आपके पास है और यदि आप इस साल अपना मेंस दे रहे हैं पीएसआईआर के साथ तो बहुत एक कॉम्प्रेंसिविविव कोर्स है दोस्तों यूपीएससी मेंस 2022 आंसर राइटिंग सेशन के लिए तो दोस्तों प्रेरणा मैम पी एस पढ़ाते हैं तो उनका दोपहर को तीन बजे क्रैश कोर्स का वीडियो भी आता है तो आई यू नो आई रिक्वेस्ट यू कि आप वो वीडियो जरूर फॉलो करिए वो देखते रहिए खास करके अगर आपका पी ऑप्शनल है दोस्तों इसके बारे में आपने और इन्फॉर्मेशन लेनी है पी के मेन्स टू के कोर्स के बारे तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं इसके बारे में इफॉर्मेशन और ले सकते हैं राइट और दोस्तों ये जो कोर्स है पी का फाउंडेशन का मेंटरशिप कोर्स ये उन बच्चों के लिए है जो कि अगले साल अपना पेपर देंगे ठीक है तो ये दोनों कोर्सेज हैं वन इज फॉर दोज पीपल जो कि मेन्स 2022 में पी एस ऑप्शन के साथ लिखेंगे अपना एग्जाम और ये जो अगला दूसरा है ये आने वाले अगले साल के लिए जो बच्चे अपना अगले साल अटेंड देंगे तो ये हमारा नंबर है दोस्तों यहां पे कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग एन आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच ऑन न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स इसको ढाई सौ शब्दों में आपने आंसर करना है जो बेस्ट आंसर होगा वो हम कल शाम को छह बजे डिस्कस करेंगे और दोस्तों आपके पास कल बारह बजे तक का टाइम है क्या आप इसका आंसर लेके टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलेंगे कल और चर्चा के साथ तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन दोस्तों अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपकी मिस ना हो सके तो मिलेंगे कल आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए जय हिंद